नमस्ते बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 8वीं विषय विज्ञान और पाठ का नाम है स्वास्थ्य और रोग। स्वास्थ्य और रोग इस पाठ का नाम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि स्वास्थ्य हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। बिना स्वास्थ्य के जो है हमारी शारीरिक क्षमता खत्म हो जाए, अर्थात आपको मालूम होगा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। आप लोग को मालूम होगा कभी कभी हम लोग बीमार पड़ते हैं और बीमार पड़ने के बाद कुछ समय के बाद हम औषध नहीं लेते हैं, फिर भी हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी हम जब बीमार पड़ते हैं तो हमको औषध लेने की जरूरत पड़ती है, बिना औषध के नहीं ठीक होते। दवाई बहुत जरूरी। तो ऐसा क्यों होता है मेरे प्यारे बच्चों? आपको मालूम होगा कि हमारे शरीर में रोग प्रतिकारक क्षमता पाई जाती है। जब बाह्य जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो यह रोग प्रतिकारक क्षमता जो होती है उसके साथ जो है कि लड़ाई करके उन जीवाणुओं को मारना, और जिसके कारण हम कभी कभी जो है कि अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता कम हो जाती है तब बाह्य शत्रु अर्थात जीवाणुओं का जो है कि प्रभाव अधिक हो जाता है, और जिसके कारण वह जीवाणु हमारे शरीर के अंदर हावी हो जाते हैं और हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है। और ऐसे कंडीशन में हम दवाई अर्थात डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमको दवाई देता है अर्थात उन जीवाणुओं को मारने की दवा, और जिसके कारण हमारा स्वास्थ्य अर्थात हम ठीक हो जाता है। तो हम देखते हैं कि स्वास्थ्य क्या होता है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर है। हमारा स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा, अगर हमारा स्वास्थ्य खराब रहेगा तो सब कुछ खराब होगा। तो देखते हैं स्वास्थ्य जो है रोगों का केवल अभाव ही स्वास्थ्य नहीं है, अपितु शारीरिक मानसिक और सामाजिक दृष्टि से पूर्णतः तंदुरुस्त होने की स्थिति को ही स्वास्थ्य कहते हैं, अर्थात शारीरिक मानसिक और सामाजिक स्थिति। आपको मालूम है प्यारे बच्चों, अगर हमारे शरीर में कोई तकलीफ है, हमारे शरीर के ऊपर चाहे चोट लगी है या चाहे हमारे शरीर के आंतरिक भागों में कोई तकलीफ है, तो ऐसे कंडीशन में उस तकलीफ के कारण हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी क्या होगा, खराब होगा। हमारा मन नहीं लगेगा, अर्थात जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब रहेगा तो उस स्वास्थ्य का प्रभाव जो है कि समाज के ऊपर भी पड़ता है। अर्थात उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारा जो समाज में जो हमारा जो जो प्रक्रिया है वह बाधित हो जाती है। कुल मिलाकर इन तीनों तीनों भागों पर अर्थात शारीरिक मानसिक और सामाजिक तीनों पर जो है कि इसका प्रभाव पड़ता है, और जिसके कारण हमारा स्वास्थ्य हमारा जो है कि पूरा का पूरा अर्थात दिनचर्या हमारी खराब हो जाती है, अर्थात कुल मिलाकर हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जिसको बोला जाए तो स्वास्थ्य अर्थात इसमें शारीरिक मानसिक और सामाजिक इन तीनों प्रक्रियाओं का समावेश होता है। अगर ये तीनों चीजें पूरी तरह से अगर तंदुरुस्त है, ठीक है, तब हमारा स्वास्थ्य क्या है, हम कहते हैं कि अच्छा है। अगर नहीं है तब हमारा स्वास्थ्य क्या कहते हैं, अच्छा नहीं है। इसमें केवल शरीर का ही सुदृढ़ नहीं है या केवल जो है कि मानसिक का ही सुदृढ़ होना ही नहीं या केवल समाज का ठीक होना ही नहीं, इसमें तीनों चीजों का समावेश होना चाहिए और तीनों चीजें पूरी तरह से तंदुरुस्त होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, तभी जो है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण स्वास्थ्य अर्थात जो है कि पूरी तरह से जो है कि एकदम तंदुरुस्त होना। अगला देखते हैं हम लोग, अब स्वास्थ्य को जो है कि खराब करने के जो कारण है रोग। अब रोग क्या होता है, आपको मालूम होगा यहाँ पे रोग का बारे में मैंने आपको बताया है कि रोग का क्या अर्थ है। रोग क्या होता है, शरीर की क्रियात्मक अथवा मानस शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार शरीर के महत्वपूर्ण जैविक क्रिया में रुकावट निर्माण करने वाली स्थिति को रोग कहते हैं।
शरीर की क्रियात्मक और मानस शास्त्री अर्थात हमारे शरीर का जो क्रियाकलाप है, आपको मालूम होगा हमारा शरीर जो क्रिया करता है अर्थात कार्य करता है, वो चाहे इंटरनल पार्ट्स के अंदर के कार्य हो चाहे बाहर कार्य, जब कार्य करता है उस कार्य में अर्थात अवरोध उत्पन्न होता है। शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, मानसिक संतुलन का भी बात कर रहा हूं। शरीर से अर्थात और मानस से दोनों प्रक्रियाओं में अगर उस कार्य में अवरोध उत्पन्न होता है तब हम लोग कहते हैं कि वहां पे रोग उत्पन्न हुआ है, अर्थात रोग का निर्माण होता है। अब यह रोग के कारण जो है आपको मालूम होगा चाहे बाह्य कारण भी हो सकते हैं या आंतरिक कारण हो सकते हैं, अर्थात हमारे शरीर के अंदर जो हमारी क्रियाकलाप है उसके अंदर जो अवरोध उत्पन्न होता है, जो रुकावट उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग रोग कहते हैं। तो हम लोग आगे देखेंगे कि रोग के प्रकार क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे रोग के प्रकार बताया गया है। पहला आपको दिया है समय के अनुसार और कारण के अनुसार। अब समय के अनुसार आपको मालूम होगा कि यह दो प्रकार है, एक है दीर्घकालीन रोग और दूसरा है तीव्र रोग। अर्थात दीर्घकालीन मतलब ऐसे रोग जो लंबे समय तक हमारे शरीर में टिके रहते हैं, ऐसे रोगों को हम लोग दीर्घकालीन रोग के नाम से जानते हैं। और तीव्र जो गति के रोग होते हैं मतलब ऐसे रोग जो हमारे शरीर में तीव्रता से अर्थात इसका फैलाव होता है, ऐसे रोगों को हम लोग तीव्र गति के रोग बोलते हैं। तो यह दो प्रकार है, दीर्घकालीन और तीव्र गति। अब इसी में देखा जाए तो कारण के अनुसार, क्योंकि आपको मालूम होगा कि रोग जो है बिना कारण के उत्पन्न नहीं होते, तो जो कारण के अनुसार उत्पन्न होते हैं वह दो प्रकार के हैं, एक है अनुवांशिक रोग और दूसरा है उपार्जित रोग। अनुवांशिक अर्थात आपको मालूम होगा कि अनुवांशिक क्या होता है कि मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी अर्थात जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किए जाते हैं, ऐसे रोगों को हम लोग अनुवांशिक रोग के नाम से जानते हैं। अर्थात आजकल आपको मालूम होगा जो डायबिटीज होती है जिसको हम लोग जो है शुगर की बीमारी के भी नाम से जानते हैं, बहुधा जो है कि लोगों में यह अनुवांशिक होती है। अर्थात उसके पिताजी को अगर यह डायबिटीज है या शुगर की बीमारी है उसके पुत्र में भी होने की संभावना होती है। तो ऐसे रोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिक रोग कहते हैं। और उसके अंदर आपको याद किया है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम अर्थात रोग प्रतिकारक क्षमता। अगर उसके पिता के अंदर रोग प्रतिकारक क्षमता की कमी है तो उसके पुत्र में यह जो कि स्वाभाविक है कि रोग प्रतिकारक क्षमता कम हो जाती है। तो यह अनुवांशिक होता है अर्थात एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होना। और दूसरा है उपार्जित रोग, मतलब ऐसे रोग जो शरीर में उत्पन्न हुए। अब जो शरीर में उत्पन्न हुए हैं अर्थात उपार्जित रोग हुए हैं, यह दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक रोग आपको मालूम होगा ऐसे जो छुआछूत अर्थात जो कि संक्रमण के माध्यम से जो है कि फैलते हैं, जैसे आपको यहाँ पे उदाहरण दिया है सर्दी फ्लू और डेंगू। सर्दी फ्लू जो है आपको मालूम होगा ये पर्यावरण के माध्यम से जो फैल रहे हैं, लेकिन डेंगू जो होता है वायर अर्थात वाहक के माध्यम से फैलते हैं, लेकिन इनका समावेश संक्रमण असंक्रामक रोग में होता है। अर्थात ये जो है संक्रमण के माध्यम से एक शरीर में दूसरे तीसरे में इस प्रकार इनका फैलाव होता है, इसके लिए इसको संक्रामक रोग के नाम से जानते हैं। दूसरा है असंक्रामक रोग, जिसमें आपको दिया है मधुमेह और हृदय। इन रोगों का जो है संक्रमण नहीं होता है, यह शरीर में अपने आप जो है उपार्जित होते हैं अर्थात पैदा होते हैं। और जिसमें आपको दिया गया है मधुमेह और हृदय रोग, ये दो रोगों के जो है आपको उदाहरण दिया गया है। तो ये जो है रोग के प्रकार। अब इन रोगों के प्रकार में हम लोग जो है कि संक्रामक रोग के बारे में डीप में जाएंगे कि संक्रामक रोगों में कौन कौन से रोग आते हैं। तो इन चार्ट के माध्यम में यहाँ पे आपको दिया गया है, चार्ट दिया गया है। इस चार्ट में आपको बहुत सारे रोगों को दिया गया है, जैसे क्षय, पीलिया, पेचिस, हैजा, विषम ज्वर, ये सब जो है कि संक्रामक रोग होते हैं। अर्थात मैंने यहाँ पे आपको दिया है कि संक्रामक जो रोग है दूषित हवा पानी भोजन अथवा वाहक। अब वाहक में कीटक व प्राणी, कीटक भी हो सकते हैं और प्राणी भी हो सकते हैं जिसके माध्यम से यह रोग फैलता है, इनके माध्यम से फैलने वाले रोग को संक्रामक रोग कहते हैं।
अर्थात दूषित हवा, पानी, भोजन और कीटक या प्राणियों के माध्यम से जो रोगों का फैलाव होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संसर्गजन्य या संक्रामक रोग के नाम से जानते हैं। जिसमें आप भी, आपको यहाँ पे दिया गया है इस चार्ट में आपको देखिए रोगों के नाम दिया हुआ है, कारक है और संक्रमण के माध्यम, लक्षण और उपाय तथा उपचार, ये सब रोगों के पूरी जानकारी इसके अंदर दिया गया है कि अगर मालूम है ये बीमारी होती है तो किसके माध्यम से होती है और अगर बीमारी हो गई है तो उसके लक्षण क्या दिखाई पड़ते हैं और उस लक्षण का अगर दिखाई पड़ रहा है तो उसका उपचार कैसे करेंगे, ये सारी जानकारियां इस चार्ट में आपको दी गई है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला आपको दिया है क्षय रोग, क्षय जिसको हम लोग टीबी के नाम से भी जानते हैं। अब इस क्षय रोग का जो कारक है अर्थात जिसके द्वारा फैलता है वह है जीवाणु। जीवाणु को हम लोग जो है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली भी बोलते हैं और ये जीवाणु का नाम है। और जब ये जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो इतने सारे देखिए प्रभाव हमको दिखाई पड़ते हैं, जैसे रोगी के थूक से और हवा द्वारा प्रसार, रोगी के संपर्क में दीर्घ काल तक रहना और रोगी की वस्तुओं का उपयोग करना, मतलब इन सारे चीजों के माध्यम से इस रोग का संक्रमण होता है अर्थात फैलाव होता है। जैसे आपको रोगी के थूक से अर्थात जब कोई रोगी व्यक्ति थूकता है या खांसता है या छींकता है तो ऐसे समय में उसके थूक के माध्यम से उसमें से निकलने वाले जो मालूम है कण होते हैं, पानी के कण जो हवा में फैलते हैं और जिसके माध्यम से उसके सामने कोई निरोगी व्यक्ति है तो उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसके अलावा उसके संपर्क में दीर्घ काल तक रहने से भी इस रोग का प्रसार होता है और रोगी की वस्तुओं का उपयोग करने से भी इस रोग का प्रसार होता है, अर्थात ये संक्रमण के माध्यम है जिसके माध्यम से यह रोग फैलता है। जब यह रोग आपके शरीर में अर्थात किसी भी रोगी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो ये लक्षण यहाँ पे दिखाई देते हैं, जैसे अधिक समय तक खांसी आना, थूक के साथ खून गिरना, वजन घटना, श्वासोश्वास में कष्ट होना। अर्थात आपको मालूम होगा कि जिस व्यक्ति को क्षय रोग हो जाता है वह व्यक्ति की जो खांसी रुकती नहीं है, अर्थात लंबे समय तक वो खांसते रहता है, लंबे समय तक उसके खांसते समय उसके गले में दर्द उत्पन्न होता है, इसके साथ साथ उसका वजन भी घटने लगता है और वजन घटने के साथ साथ आपको मालूम होगा उसके थूक से खून भी गिरता है और श्वासोश्वास में जो है कि कष्ट होता है अर्थात तकलीफ होती है। ये सब जो है कि लक्षण होता है। अगर आपके मालूम है ये सारी चीजें अगर आपके शरीर में दिखाई पड़ती है तो समझ लीजिए कि आपको क्षय बीमारी हुई है। इसके अलावा अगर ये बीमारी हो जाती है तो इसका हमको क्या उपचार कराना चाहिए, आपको मालूम होगा इस क्षय बीमारी के सारे बीमारी जितने सारे इसके जो टीके हैं सब जो है कि बाजार में उपलब्ध हैं, हॉस्पिटल वगैरह में सारी चीजें की सुविधा पाई जाती है। जैसे BCG का टीका लगवाना, छोटे बच्चों से ही मालूम है BCG का टीका लगाया जाता है। अगर जिस व्यक्ति को क्षय रोग हुआ है अगर उसको मालूम है BCG का अगर टीका लगा हुआ है तो इस रोग की बीमारी का अर्थात रोकथाम हो सकता है, वह जो है कि बीमारी उसके शरीर में फैलने की खतरा नहीं होता है। इसके अलावा रोगी को अन्य लोगों को अलग रखना, नियमित रूप से औषधि लेना और डॉट या उपचार पूर्णतः व नियमित रूप से करना चाहिए। अगर उस व्यक्ति को अगर ये रोग हो गया है तो अन्य लोगों से जो स्वस्थ लोग हैं उससे इनको दूर रखना चाहिए क्योंकि अगर उसके संपर्क में आएंगे तो उनको भी यह रोग हो सकता है। इसके लिए उनकी वस्तुओं को और उनसे जो है कि उनका संपर्क जो है कि टालना चाहिए। इसमें एक चीज और दिया गया है डॉट यह उपचार पूर्णतः और नियमित रूप से लेना चाहिए। यह जो औषध है इसका फुल फॉर्म आपको यहाँ पे मैंने लिख के दिया है डॉट अर्थात डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी, अर्थात इसको जो है कि तुरंत इसका उपचार करवाएं और तुरंत जो है कि इसकी दवाई लें, अर्थात इसी को हम लोग डॉट अर्थात डॉट के नाम से जानते हैं डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी। तो ये क्षय रोग के बारे में था। दूसरा आपको दिया है पीलिया। आपको मालूम होगा जब पीलिया आपको कोई रोग होता है तो हमारे शरीर में परिवर्तन दिखाई देते हैं, अर्थात हमारे शरीर जो है कि चमड़ियां पीले रंग की होने लगती है।
अर्थात इस रोग का जो कारक है वह विषाणु से होता है, उस विषाणु का नाम है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस में कई प्रकार के विषाणु पाए जाते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, मतलब अनेक प्रकार के विषाणु पाए जाते हैं और जो इस रोग का कारण बनते हैं। और यह जब रोग आपको मालूम होता है या किसी रोगी व्यक्ति को होता है तो उसके संक्रमण के माध्यम यहाँ पर दिया गया है कि उसका संक्रमण कैसे होता है, पानी से होता है, रोगी के उपयोग में लाए गए सुइयां और रक्तदान। अर्थात आपको मालूम होगा ये सारे संक्रमण के माध्यम है। अगर मालूम है किसी मालूम है रोगी व्यक्ति का, अगर कोई व्यक्ति निरोगी व्यक्ति पानी उपयोग करता है तो उस व्यक्ति को यह रोग फैलने का खतरा होता है। अगर उसकी उपयोग में लाए गए जो सिरिंज है, जो सुइयां है, अगर हम उपयोग में लाते हैं तो इस रोग का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा उस रोगी व्यक्ति का अगर रक्त आदान किया जाता है, अगर आदान प्रदान किया जाता है तो ऐसे कंडीशन में इस रोग का खतरा बढ़ता है। अब जब यह मालूम है रोग का खतरा बढ़ता है रोगी के शरीर में तो इसके बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे पहला आपको दिया है भूख कम लगना। अगर पीलिया रोग में आपको मालूम होगा कि भूख कम लगती है, उसकी जो पेशाब होती है वो गाढ़ी पीली पेशाब होती है, अर्थात एकदम डार्क येलो ऐसे कलर में उसकी पेशाब हो जाती है, उसके शरीर में थकावट का निर्माण होता है, उसका जो है कि जी मचलने लगता है, उल्टी होती है। इसके अलावा धूसर विष्ठा अर्थात बाथरूम के समय जो टॉयलेट होता है वह एकदम राख जैसा हो जाता है। तो अगर ये सारे लक्षण अगर उसके शरीर में दिखाई देते हैं तो इसका मतलब उस व्यक्ति को पीलिया रोग हुआ है। अगर पीलिया रोग होता है तो उसकी क्या उपचार कराने चाहिए? उपचार आपको साइड में दिया हुआ है कि पानी को हमेशा उबाल कर छान कर पीना चाहिए, शौचालय का उपयोग करने से पूर्व और पश्चात हाथ साबुन से धोने चाहिए। ये जो है हमको करना बहुत जरूरी है, चाहे किसी प्रकार का रोग हो चाहे न, हमको हमेशा जब टॉयलेट जाते हैं या टॉयलेट से आते हैं तो हाथ को स्वच्छ पानी और साबुन से अच्छी तरह से रगड़कर साफ करना चाहिए। इसके अलावा हमेशा जो है कि पानी को उबाल कर और छान कर पीना चाहिए। अगर इस प्रकार का जो है कि हम लोग काम करते हैं तो हमको वह रोग फैलने का खतरा कम होता है, क्योंकि यह सब जो है कि दूषित हवा पानी के माध्यम से ही फैलती है। दूषित हवा रहेगी, दूषित पानी रहेगा, दूषित वातावरण रहेगा तो यह विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और जब प्रवेश करते हैं तो अनेक प्रकार के कारण बनते हैं। तो ये सारी चीजों को हमको जो है कि अपनाना चाहिए, हमेशा अपने हाथ को जो है कि धोकर रखना चाहिए। अगला है पेचिस अतिसार। अर्थात आपको मालूम होगा कि हमारे शरीर में जो पेचिस जब रोग होता है तो हमारे शरीर में मरोड़ अर्थात हमारे जो है कि जुलाब जैसी कंडीशन हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन को निर्माण करने वाले जो जीवाणु आपको दिए गए हैं, जीवाणु विषाणु, ये आपको मालूम होगा इनके रोग के कारक हैं। इसको जो है कि हम लोग सिगेला वैसिलस एंटमीबा और हिस्टोलिटिका ये विषाणुओं का नाम है। इन विषाणुओं के माध्यम से पेचिस रोग हो जाता है। अब पेचिस रोग जब होता है तो आपको मालूम होगा इसका संक्रमण बढ़ जाता है और संक्रमण बढ़ने का कारण है दूषित पानी और भोजन। दूषित पानी का उपयोग हम लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जब करेंगे तो वह रोग का जो है कि संक्रमण बढ़ेगा और साथ ही साथ दूषित भोजन जो हम लोग मार्केट वगैरह में जो खुले सब भोजन को ग्रहण करते हैं उसके माध्यम से इस रोग का प्रभाव बढ़ता है। जब यह रोग हमारे शरीर में पनपने लगता है तो हमको अनेक प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, पानी की तरह पतले जुलाब होना, अर्थात हमारे पेट में मरोड़ जैसी बीमारी होने लगती है और साथ ही साथ जुलाब स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जब हमको ये हो जाता है तो हमको समझ लेना चाहिए कि पेचिस हो गया है। और जब पेचिस रोग हो जाता है तो इसकी क्या उपचार है? आगे आपको दिया हुआ है जैसे खाद्य पदार्थ ढक कर रखना चाहिए, पानी को उबाल कर तथा छान कर पीना चाहिए और जल संजीवनी लेनी चाहिए। जल संजीवनी इस बीमारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जल संजीवनी को हम लोग शॉर्टकट में ORS के नाम से जानते हैं, अर्थात ORS का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अर्थात ओरल रिहाइड्रेशन आपको मालूम होगा मेरे प्यारे बच्चों कि
कि घरों में हम लोग नींबू पानी का शरबत बना के पीते हैं, जो इस रोग के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में हमारे शरीर से ज्यादा मात्रा में पानी निकल जाता है, जुलाब के माध्यम से निकल जाता है। ऐसे कंडीशन में हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और उस पानी की कमी को पूर्ति जो है हम लोग जल संजीवनी के माध्यम से दे सकते हैं। इसलिए अगर ऐसी कोई बीमारी अगर हुई है तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी का उपयोग करें, अर्थात संजीवनी लें, लेकिन वह पानी उबाल कर और छान कर लेना चाहिए। इसके बाद अगला आपको दिया गया है हैजा। हैजा है, हैजा जो फैलता है जिसका नाम जीवाणु है, उसका जीवाणु का नाम दिया है विब्रियो कॉलरी। विब्रियो कॉलरी इस जीवाणु का नाम है जिसके माध्यम से हैजा फैलता है, और इस हैजा का फैलने का कारण जो है अर्थात दूषित भोजन तथा पानी। अगर हमारा पानी दूषित है और भोजन भी दूषित है तो उसके माध्यम से यह रोग फैलने का खतरा बढ़ जाता है, और अगर यह रोग जब फैल जाता है तो आपको मालूम होगा हमारे शरीर में बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे उल्टियां बार बार आना, जी मचलना, जुलाब, पेट में दर्द, पैरों में अकड़न जैसी समस्याएं पैदा हो जाती है। अर्थात जुलाब होता है, पेट में दर्द होता है और पैरों में अकड़न, ये सब जो है कि समस्याएं निर्मित हो जाती हैं। अगर मालूम है हैजा हो गया है तो ऐसे समय में हमको क्या उसका उपचार करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जैसे आपको दिया गया है कि स्वच्छता रखनी चाहिए, अर्थात हमारा परिसर स्वच्छ होना चाहिए, हमारा घर का वातावरण स्वच्छ होना चाहिए, और साथ ही साथ खुले भोज्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए, पानी उबाल कर पीना चाहिए, कालरा प्रतिबंधक टीका लगवाना चाहिए। मार्केट में अर्थात आपको मालूम होगा दवाखाना में कालरा प्रतिबंधक टीका पाए जाते हैं, जिसका हमको उपयोग करना चाहिए, जिसके माध्यम से इस रोग का थाम हो सकता है। अर्थात हमेशा मेरे प्यारे बच्चों पानी को उबाल कर छान कर पीजिए, और साथ ही साथ जो है कि अपने आसपास का परिसर, अपने घर का परिसर, इनको हमेशा स्वच्छ रखिए, जिसके माध्यम से आपको यह बीमारी फैलने का खतरा नहीं होगा। और लास्ट आपको दिया है विषम ज्वर, जिसके माध्यम से हमारे शरीर में बुखार जैसी समस्याएं पैदा होती है, और इसका जो है कि जीवाणु है और उस जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी इस जीवाणु का नाम है जिसके माध्यम से विषम ज्वर अर्थात हमारे शरीर में बुखार तैयार होता है, अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं टाइफाइड। और इस टाइफाइड का जो संक्रमण है कैसे होता है, दूषित भोजन तथा पानी से। हमेशा जो है कि दूषित भोजन और पानी का अगर उपयोग करते हैं तो हमारे शरीर में विषम ज्वर अर्थात टाइफाइड हो जाता है, और ऐसे समय में जब हमको टाइफाइड होता है तो हमारे शरीर में ये परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे भूख कम होना, सिर दर्द, जी मचलना, पेट पर लाल लाल फुंसियाँ आना, और अतिसार, और 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ज्वर आना। अर्थात हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है। ये सारे परिवर्तन जो है हमारे शरीर पर दिखाई देने लगते हैं अगर हमको बुखार आता है। हमारे सिर दर्द होने लगते हैं, हमारा जी मचलने लगता है, उल्टियाँ आने लगती हैं, भूख कम लगती है, हमारे शरीर में फुंसियाँ होने लगती हैं, तो ये सब जो है कि जो हमारे शरीर में दिखाई देते हैं तो इसका मतलब हमको टाइफाइड हो गया है, अर्थात विषम ज्वर जैसी बीमारी पकड़ ली। अब ऐसी कंडीशन में जब हमको विषम ज्वर हो जाता है तो हमको इस प्रकार जो है कि इसका उपचार करना चाहिए, जैसे स्वच्छ तथा निर्जंतुक पानी पीना, अर्थात पानी को उबाल कर छान कर पीना चाहिए। स्वच्छ तथा निर्जंतुक मतलब ऐसे पानी का उपयोग करना चाहिए जिसमें जंतु नहीं पाए जाते, अर्थात उस पानी को उबाल कर छान कर पीजिए। इसके साथ ही साथ टीका लगवाना, गंदे पानी का निपटारा उचित प्रकार से करना, मतलब ये सारे जो है कि हमारे उपाय तथा उसके उपचार हैं, अगर ये सारी प्रक्रियाएं करते हैं तो हमको टाइफाइड नामक बीमारी नहीं पाई जाती। तो मेरे प्यारे बच्चों इतनी सारी बीमारियों के बारे में हम लोगों ने जाना, ये सारी बीमारियां जो है अर्थात आपको मैंने बताया संसर्गजन्य और संक्रामक रोग है, अर्थात एक दूसरे के संपर्क में आने से इस रोग का फैलाव होता है, और यह रोग जो होता है आपको मैंने पहले बता दिया
कि दूषित हवा, पानी, भोजन अथवा वाहकों के माध्यम से इस रोग का फैलाव होता है। अर्थात आपको मालूम होगा यह रोग जो है कि फैलते हैं, तो इसके लिए हमको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमेशा, यहाँ तक कि मालूम है खाते समय या पीते समय पानी को हमेशा उबाल कर छान कर पीजिए। भोजन के लिए जब हम लोग बैठते हैं अपने हाथ पैरों को अच्छी तरह से साफ करके बैठिए, इसके साथ साथ भोजन को हमेशा ढक कर रखिए। ये अगर सारी प्रक्रियाएं आप अगर करते हैं तो इस रोग का जो प्रभाव है वो कम हो सकता है, अर्थात इसका जो संसर्ग है, संक्रामक है, वह रुक सकता है। तो इन सारी बातों को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे और जितनी सारी चीजें आपको यहाँ पे बताया गया है इस चीजों को, अर्थात वीडियो को बार बार देखिए, इसको देखिए और बार बार इसका जो है कि उपयोग कीजिए, अर्थात इसको पढ़िए, याद कीजिए और यहाँ पर जो प्रश्न आपको दिए गए हैं उन प्रश्नों का उत्तर लिखकर शुक्रवार और शनिवार तक वीडियो में जो है कि उसको शेयर कीजिए आपके क्लास ग्रुप में। तो यह है आपको यहाँ पे मैंने ग्रह कार्य दिया है, जैसे पहला आपको दिया है कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, दूसरा है रोग किसे कहते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य क्या होता है और रोग क्या होता है, और उसके साथ साथ इस चार्ट में दिए गए विभिन्न रोगों के संक्रमण के माध्यम, लक्षण और उपाय तथा उपचार गृह कार्य की कॉपी में याद करके आपको लिखना है। इसके लक्षण को, इसके उपाय को, ये सब चीजों को आपको याद करना है। इस चार्ट में सारी बीमारियों के बारे में, अर्थात बहुत सारे रोगों के बारे में आपको दिया गया है, जितने सारे रोग हैं इनके लक्षण, उपचार और संक्रमण के माध्यम सब कुछ इसमें दिया गया है। इसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पढ़िए इसको, और उसका उत्तर जो है कि शुक्रवार और शनिवार को आपके ग्रुप में वीडियो में इसको भेजिए। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।